हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम उन्नाव स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमें उन्नाव स्टेशन से जाना है इलाहाबाद, तो दिखाते हैं आगे की आपको जाना है। जैसा कि जिस ट्रेन से हम जा रहे हैं उस ट्रेन की टिकट जो है ऑनलाइन नहीं दिख रही थी, ऑनलाइन नहीं शो हो रही थी, तो हम ऑफलाइन टिकट लेने आए हैं 2 साल के बाद। मतलब बहुत अलग लग रहा है, बहुत अलग एक्सपीरियंस है ऑफलाइन टिकट लेने। मैंने टिकट ले लिया है अपनी ट्रेन का और ट्रेन आने वाली है, 10 मिनट बचे हैं ट्रेन के। और देखिए काफ़ी साफ़ सुथरा भी अब होने लगा है ये रेलवे स्टेशन, और देखिए कितना सही हो गया है अब ये रेलवे। भैया हैं हमारे घर के जस्ट पास में रहते हैं और हमें रास्ते में मिले, और ये भी इलाहाबाद जा रहे हैं, तो देखिए कोइंसिडेंस कितना सही है। भैया से हाय टू माय यूट्यूब चैनल। भैया किस चीज़ की ट्रेनिंग करते थे इलाहाबाद में? MES, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। अच्छा, किस काम के लिए इलाहाबाद जा रहे हैं आप? LTC के लिए, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में जॉब करते थे। अच्छा, तो अभी कहाँ पे करते हैं जॉब? अब इसमें प्रेजेंट टाइम हम चकेरी एयरपोर्ट स्टेशन पे। अच्छा, तो नहीं मतलब प्लेस कहाँ पे? आपने ट्रांसफर करवाया था ना? हाँ, कानपुर में करवा दिया। जैसा कि हमारी ट्रेन पीछे आ रही है, हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम चलते हैं ट्रेन में, देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, क्या क्या चेंज हुआ है। जैसा कि अभी डलमऊ जंक्शन में हम पहुंच चुके हैं, उन्नाव जंक्शन से काफ़ी डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। और अगर हम बात करें जनरल ट्रेन की, तो पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। जैसे कि अभी मैं बैठी हूँ जनरल डिब्बे में, मुझे पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी और बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होके सब लोगों को बैठना पड़ता था, लेकिन अब इतना कंजेस्टेड होके लोगों को नहीं बैठना पड़ रहा है। अभी मैं ही बैठी हूँ तो देखिए जैसे एक सीट पे 2 या 3 लोग ही ऐसे बैठे हैं, ऐसा कुछ ऐसे कंजेस्टेड वाला माहौल नहीं है। पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई भी अब रहने लगी है। जैसे पहले आते थे बहुत गंदगी रहती थी, वॉशरूम से बदबू आती रहती थी, कूड़ा कबाड़ा पड़ा रहता था ऐसे ट्रेन में ही, कुछ भी खा के लोग ऐसे डाल देते थे, लेकिन अब उस तरीके नहीं है, काफ़ी साफ़ सफाई है। जैसा कि जिस डिब्बे में मैं बैठी हूँ वहाँ तो काफ़ी साफ़ सफाई है, काफ़ी चेंजेस भी नज़र आए हैं, ऐसा नहीं है, और काफ़ी सिस्टमैटिक चीज़ें चल रही हैं अभी तक मैंने जितना ऑब्जर्व किया। लोग भी समझ रहे हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी चीज़ों को समझ रहे हैं, वो भी चीज़ों को सिस्टमैटिक वे से ले रहे हैं, मास्क वगैरह लगा के रखे हैं और इधर उधर कूड़ा कचरा नहीं फेंक रहे हैं ताकि गंदगी ना हो, गंदगी से इन्फेक्शन फैलता है ना। तो चीज़ें लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे, लोगों की मैंटेलिटी भी चेंज हो रही है, तो ऐसे लोग काफ़ी अवेयर हुए हैं कोरोना के बाद और काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर के लिए बाहर आए हुए हैं, देख रहे हैं कुछ खाने पीने की तलाश में, लेकिन इस स्टेशन पे कुछ मिल नहीं रहा है खाने पीने के लिए। ट्रेन रुकी हुई है, दूसरा इंजन लग रहा है, पता नहीं क्या तो है, बट थोड़ी देर से चलेगी। पहले के अकॉर्डिंग अब काफ़ी कम लोग ट्रैवल करते हैं ऐसे जनरल ट्रेन से, मुझे लगता है। मैंने भी अभी 2 साल के बाद मैं ट्रैवल कर रही हूँ जनरल ट्रेन से, नहीं तो ऐसे बस वगैरह से ही आना जाना होता था या फिर रिजर्वेशन कराते थे और ऐसे आना जाना ही नहीं रहता था इलाहाबाद। बट अब काफ़ी दिनों बाद मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कोरोना के बाद, मैं कोरोना के टाइम पे ही आई थी इलाहाबाद से अपने घर 2 साल पहले, जब लॉकडाउन लगा था होली के टाइम पे, तभी मैं नहीं तब भी बस से ही आई थी। मैं 2 साल बाद ही ऐसे ट्रैवल कर रही हूँ, इलाहाबाद जाना आना होता था तभी कभी कभी ट्रैवल कर रही हूँ। के लंबे सफ़र के बाद अब हम फाइनली प्रयागराज जंक्शन पहुंच चुके हैं, अब जाएंगे कुछ खाए पिएंगे। और काफ़ी अच्छा रहा 4 घंटे का सफ़र आलोक भैया के साथ बातें की। घर के पास जैसे रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें एक दूसरे के बारे में हम लोग को पता चली,
और फिर बाद में मैंने सोचा कि थोड़ा सा एडिट किया जाए वीडियो, बट फ़ोन से ट्रेन में बैठ के एडिटिंग पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि फ़ोन से एडिट करने में काफ़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो कंसंट्रेशन हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैं सॉन्ग सुनती रही और नहीं भैया सॉन्ग सुनी और तो मैं सॉन्ग सुनते सुनते अपना 4 घंटे का सफ़र मैंने बिताया, तो काफ़ी सही था सफ़र। ई रिक्शे वाले तो ऐसे पूछने लगते हैं जैसे लगता है कि अभी ट्रेन से आए हैं और पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। मैं तो कभी कभी मैं तो मजाक में से बोल देती हूँ कि हाँ, जब वो पूछते हैं ना कि कहाँ जाओगे, तो मैं बोल देती हूँ कि यार घर जाऊँगी, चलो ये लेके। अरे यार, तो फिर सॉन्ग सुनते सुनते मैंने पूरा सफ़र बिताया। अच्छा, तो मैंने ना आज काफ़ी अलग टेस्ट ट्राई किया, लाइक कैलाश खेर के गाने तो मैं सुनती थी हमेशा और काफ़ी सूदिंग गाने रहते हैं उनके, और सालिम सुलेमान के भी आज गाने मैंने सुने और रहत फ़तेह अली खान के, ये तो इन लोगों के तो गाने मैं सुनती रहती थी। सालिम सुलेमान के गाने सुने यार, काफ़ी सूदिंग थे। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके के सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, जैसे कि आज मैं सालिम सुलेमान सर के गाने सुन रही थी तो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी सूदिंग थे। और मैं अभी इसके पहले मैं मारवाड़ी गाने बहुत सुनती थी, मतलब मारवाड़ी गानों का तो टेस्ट अलग ही है, लाजवाब है, मतलब उसकी बात ही कोई नहीं कर सकता, वो उन गानों की तुलना किसी गानों से की नहीं जा सकती है। तो यही है, चलिए अब हम पहुंच चुके हैं, अब जाना है हॉस्टल। हॉस्टल जाने के पहले अपने फेवरेट स्पॉट लल्ला चुंगी की चाय पीऊँगी। जैसा कि हॉस्टल वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि लल्ला चुंगी एरिया जो है वहाँ पर हम डेली ऐसे चाय पीने जाते आते रहते हैं, तो वहाँ की चाय पियेंगे और उसके बाद में जाएंगे। जैसा कि अभी मैंने चाय ले लिया है और अभी मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं हॉस्टल में जाऊँगी। तो ये थी मेरी उन्नाव से अलाहाबाद तक की जर्नी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँ तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय।